जानबूझ करके भ्रम फैलाया जा रहा है, कोई भ्रम नहीं है देश के अंदर। 9 दिसंबर को जो लोग जब लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल पास हुआ, उसी समय हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर स्पष्ट रूप से ये कर दिया कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हिंदू अल्पसंख्यक, खास करके हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, जैन, इस धर्म के लोग उन देशों से विस्थापित होकर के हिंदुस्तान में आए, और वो आज से नहीं, जब देश का 47वां बंटवारा हुआ, फिर 71 में बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उस समय से ये सारे हिंदू शरणार्थी आकर के यहाँ पर पड़े हुए। गाइडलाइन तय कर दी गई 31 दिसंबर 2014, उसके बाद के जो आए हैं अपने ही देश में तमाम जगह विस्थापित के रूप में, शरणार्थी के रूप में वो रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता न मिलने के वजह से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई, उनको भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, इसी बात के लिए नागरिक संशोधन बिल लोकसभा में पारित हुआ। इसका हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले 22 करोड़ से अधिक मुसलमानों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो लोग उसके नाम पर उत्पात मचा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, ऐसे लोग और इनको जो प्रश्रय देने वाले विपक्षी दल के नेता हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की हित की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो यहाँ के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ के मुसलमानों की चिंता की बात अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जितनी भी योजना प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार तक बिना किसी भेदभाव के सारे हर धर्म के लोगों को प्राप्त हो रही है, उसी तरह से मुसलमान भाइयों को मिल रही है। और हम तो अपील करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये आपको केवल बरगला करके अपना वोट बैंक सुनिश्चित करना। लोगों का एक डिमांड था ये सर कि कम से कम प्रचार प्रसार होता, तो इसके वजह से जो है लोगों में जागरूकता फैल रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है, तमाम अखबारों में अब विज्ञापन भी आ रहे हैं, टीवी पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और हमको तो इतना अंदाजा है कि जानने वाले सही जान रहे हैं, ये जानबूझ करके लोगों के अंदर बवाल कराने की साजिश है।